हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी सीजीएल का सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं मैथ्स के। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल का यहाँ पे सैंपल पेपर, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, जिनके हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है, जो हमारे डिफरेंट टॉपिकों से यहाँ पर रिलेटेड हैं, जैसे हमारा परसेंटेज से रिलेटेड, चार समय से रिलेटेड और भी हमारे अदर टॉपिकों से यहाँ पर लिए गए हैं। इनमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले और ट्रिकों का यूज़ आप इस टाइप के अदर क्वेश्चंस में कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हमें, प्रतिशत पर आधारित यहाँ पर लाभ या हानि पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि व्यापारी उस पर 20% का बट्टा दे तो उसे होगा या होगी, तो आपको बताना क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी और कितना प्रतिशत होगा। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का केस दिया जाता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, जो आपको क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य को आपको मानना पड़ेगा। आप इस केस में कभी भी क्रय मूल्य वहाँ पर 100 मान लीजिए, 100 आपने अब 100 मान लिया, 100 रुपया समझ लीजिए। और यहाँ पे उसने अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मतलब जो उस पर प्राइस यहाँ पे चढ़ा रखा है उसने, तो प्राइस उसने 20% ज़्यादा कर रखा है। देखिए, तो 20% ज़्यादा मतलब अंकित यहाँ पर 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% बराबर 20 हो जाएगा। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 20% ज़्यादा मतलब 100 प्लस 20 बराबर 120 रुपया हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे 120 रुपया उसमें चढ़ा रखा है। अब कहता है, यदि व्यापारी उस पर 20% का बट्टा दे दे, यहाँ पे देखिए बट्टा का मतलब छूट होता है, और किस पर दे रहा है ये आपको विशेष ध्यान देना है, वह यहाँ पे अंकित मूल्य पर बट्टा दे रहा है, न कि क्रय मूल्य पर। यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि अंकित मूल्य पर उसको 20% बट्टा दे रहा है वो, तो हमें इसका बट्टा निकालना पड़ेगा, अर्थात 120 की छूट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, 120 का जब आप 20% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 120 गुणा 20 बट्टा 100 बराबर 24। तो 24 रुपया आ गया हमारे यहाँ पे 120 का 20%। तो हमें क्या करना है, इसको घटाना है, अर्थात इतनी हमें छूट मिल रही है 120 में, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो विक्रय मूल्य है, जितने में वो बेच रहा है उसको। विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 120 माइनस 24 बराबर यहाँ पर 96 आ जाएगा, 96। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यहाँ पर 96 आ गया, 96 रुपया। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था, और विक्रय मूल्य 96, अर्थात इसको कितने रुपये की हानि हो रही है, 100 माइनस 96 बराबर 4 रुपये की हानि हो रही है यहाँ पे। और यदि आपको निकालना प्रतिशत, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य, हानि यहाँ पर 4 की हो रखी है, बट्टे क्रय मूल्य 100 मान रखा हमने, गुणा 100 कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये आ गया हमारा 4%। तो 4% यहाँ पर क्या हो गई, हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, आपको याद रखना है, जब भी 20% अंकित मूल्य अधिक कर दिया जाए और 20% का बट्टा दे दिया जाए बाद में, तो उस केस में हमेशा हानि होती है, और वह कितनी होगी इस तरीके से आप निकाल लेंगे उसको। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंसुरेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे क्षेत्रमिति पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है यह। देखिए, हमें दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी वर्गाकार खेत को विकर्ण पार करने में 2 मिनट लगते हैं। खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल बताना है मीटर स्क्वायर में। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है, और हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे बदल देंगे चाल को। देखिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो
इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी यहाँ पे चाल है उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। यह आपको ध्यान रखना है जब आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो 3 से यहाँ पर 18 कट गया तो बराबर कितना आ गया, देखिए 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये यहाँ पे चाल आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। और देखिए हमें क्या दिया, खेद दिया, खेद क्या है, वर्गाकार है। तो आप यहाँ पर खेद एक बना लेंगे, यहाँ पर वर्गाकार है, और उसका विकर्णीय पार करने में, देखिए विकर्णीय मतलब विकर्ण इसका जो बीच से जाएगा उसको पार करने में कितना समय लगता है, 2 मिनट लग रहे हैं। तो 2 मिनट मतलब 2 मिनट को भी आप यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप इसकी जो भुजा है ए है, वर्ग है, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका जो विकर्ण होता है वो क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, √2 इसका विकर्ण होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है विकर्ण का, विकर्ण बराबर √2, और आप निकाल भी सकते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारा विकर्ण है, तो √2 को पार करने में कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो देखिए हमें इसकी दूरी बतानी है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा ज्ञात होनी आवश्यक है। तो भुजा को निकालने के लिए हमें इस विकर्ण की लंबाई अगर पता होगी तो हम उससे भुजा निकाल लेंगे। तो विकर्ण की लंबाई कहाँ से निकलेगी, वह हमारी निकलेगी यहाँ से, हमें दिया है कि इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है, अर्थात हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और हमें यहाँ पे दिया चाल कितनी दी है, चाल हमें 5/6 दी है, और देखिए दूरी क्या है, दूरी हमारी, दूरी √2 है, तो दूरी की जगह पर आप लिख सकते हैं √2 बराबर 5/6 चाल गुणा समय कितना है, 120 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे 6 से कट जाएगा तो 6 × 12 20 आ गया, 20 × 5 = 100, तो 100 मीटर यहाँ पे मीटर में आ जाएगी दूरी। तो 100 मीटर क्या आ गई यहाँ पे, इसकी दूरी आ गई, अर्थात ये विकर्ण की जो लंबाई है वो हमारी 100 मीटर आ गई। √2 बराबर 100 है तो a बराबर क्या आ जाएगा, इससे a अर्थात भुजा बराबर 100/√2 मीटर, तो एक भुजा की लंबाई यहाँ पर 100/√2 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा हमारी यहाँ पर 100/√2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो देखिए 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 × 100/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, जब भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 2 आ जाएगा, तो 2 से पहले 100 को काट देंगे तो 50 आ गया, 50 × 100 मतलब 5000 यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मीटर स्क्वायर कहें या वर्ग मीटर कहें, तो ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया इस पूरे वर्गाकार खेत का। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दूसरा क्षेत्रफल का लगाया, और एक विकर्ण वाला, तो इसमें 3 फॉर्मूला का यूज हुआ। और इस तरह के क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह करना है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यह भी हमारा कार्य समय से रिलेटेड है, कार्य और समय पर आधारित। एक व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 18 दिन में पूरा करता है, कार्य का 0.5 भाग पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे, तो आपको बताना है कितने दिन लगेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप कार्य को यहाँ पर 1 मान लीजिए, इस तरह के केस में कार्य आपने 1 मान लिया, और आपको यहाँ पर दिया है कार्य का 1/3 भाग 18 दिन में हो रहा है, तो 1/3 भाग बराबर 18 दिन, तो पूरा कार्य करने में कितने यहाँ पर दिन लगेंगे इनको, एक कार्य करने में, एक मतलब पूरा कार्य करने में इसको लगेगा जो समय, वो 18 × 3 अर्थात 54 दिन लगेंगे। और हमें बताना है 0.5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, 0.5 भाग का मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब हुआ 1/2, अर्थात 1/2 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसका आधा हो जाएगा,
क्योंकि अगर पूरा काम करने में 54 दिन लग रहे हैं और कार्य क्षमता वहाँ पर बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको पूरा करने में यहाँ पे 54/2 अर्थात 27 दिन लगेंगे, क्योंकि समय भी आधा हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा हमारे यहाँ पे कार्य क्षमता या कार्य समय से रिलेटेड या हमारे चाल दूरी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखे। इनमें बेसिक हमारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं फॉर्मों पर आधारित होते हैं, और इस तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं अदर क्वेश्चन को भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।